आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मुस्कान जायसवाल। सो आज मैं आपको पीपीटी प्रेजेंट करूंगी। आप सभी ने ये कोट तो सुना ही होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और यही पॉसिबल किया है दुबई ने। 20 साल पहले दुबई के पास कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ डेजर्ट्स थे, बट उन्होंने उनके डेजर्ट्स को कन्वर्ट किया ड्रीमलैंड में। दुबई हमारे ड्रीम प्लेस है, हम दुबई जाना चाहते हैं, बट उन्होंने क्या क्या प्रोसेस की ये दुबई को इतनी अच्छी सिटी बनाने के लिए, आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेयर इज दुबई। दुबई इज एन एशियन कॉन्टिनेंट, और एशियन कॉन्टिनेंट में वो यूएई में है। हिस्ट्री ऑफ दुबई, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, 1991 में दुबई कुछ ऐसा दिखता था, बट उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए दुबई में, और उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट कंसल्टेंट को बुलाया और वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन किया। द मैन हु मेड दुबई सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो ये है हिज रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये दुबई के किंग, यूएई के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने दुबई के लिए इतने सारे विजन्स देखे। नॉर्मली पीपल वीकेंड प्लान करते हैं, और ये नेक्स्ट 10 ईयर्स प्लान करते हैं दुबई के लिए। इनका मानना ये है कि मैनी लीडर्स प्रॉमिस वी डिलीवर। ये जनरली हमने देखा है, इलेक्शंस के पहले जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमसे पूरे प्रॉमिस करते, बट आफ्टर इलेक्शंस वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते, बट दिस मैन ये जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका और एक मानना है कि ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू पार्टी, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर्स। उन्होंने उनके ऑयल से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उन्होंने वो इन्वेस्ट किया उनके ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए। सो द जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस, दुबई के पास पूरा सैंड था, डेजर्ट था पहले। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब गंगा जो रिवर है उसके पास की जो मिट्टी होती है वो पूरी गीली होती है, और वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बट रेगिस्तान है, यहाँ तो रेगिस्तान है, यहाँ पे तो और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बट उन्होंने कंसल्टेंट को बुलाया और उसके बाद चेक किया कि दुबई में 5000 साल पहले कुछ पानी था ज़मीन के अंदर। उन्होंने उसको डिग किया और फिर वहाँ से ट्यूब्स से पानी ऊपर लेके आए वो, और जो बिल्डिंग्स जो उनकी होती है उसको रोज पानी वो लोग देते हैं, और उसी तरह वो बिल्डिंग खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि दुबई की बिल्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिल्डिंग्स है। तो जीडीपी एंड रेवेन्यू ऑफ दुबई, दुबई का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? आपको लगता होगा कि दुबई का जो रेवेन्यू है वो ऑयल से जनरेट होता है, बट ऐसा नहीं है। 1% ऑफ जीडीपी ऑफ दुबई वो ऑयल से जनरेट होता है, बट 99% जो है वो टूरिज्म से, बिजनेसेस से वो जनरेट होता है। दुबई ने अपने रेवेन्यू जो टोटली वो ट्रांसफर किए टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए, बिकॉज एज कंपेयर टू अबू धाबी उनके पास बहुत ही कम ऑयल का मैन्युफैक्चर होता था। तो उनके जो किंग है उन्होंने सोचा कि हम हमारे जो रेवेन्यू है वो शिफ्ट करते हैं ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी। दुबई को एक एलर्जी है, एलर्जी टू एवरेज। उन्हें एवरेज थिंग्स नहीं पसंद आती, या तो उन्हें द ओनली वन चाहिए या फिर नंबर वन चाहिए। उन्होंने इतने सारे चीज़ें, उनके बिल्डिंग्स, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाया, लेकिन उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, या तो नंबर वन है या फिर ओनली वन है। लेट्स सी द बिल्डिंग्स, ये दुबई की स्पेशलिटीज है। बुर्ज अल अरब, आपने बहुत सारे होटल्स देखे होंगे 5-star होटल्स, बट द ओनली 7-star होटल इज इन दुबई, बुर्ज अल अरब। ये होटल की स्पेशलिटी है, अगर आपको वहाँ पे विजिट भी करना हो तो 2 महीने या 1 महीने पहले आपको इसकी प्री बुकिंग्स भी करा के रखनी पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज JW मैरियट। आपने 5-star होटल्स तो सभी तरफ है, बट मैंने आपको जैसे कहा उन्हें एलर्जी टू एवरेज है, उन्हें एवरेज थिंग्स नहीं चाहिए। उन्होंने दुबई में बनाया वर्ल्ड का बिगेस्ट 5-star होटल, एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप सब इस बिल्डिंग से तो फेमिलियर है, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, बट बुर्ज खलीफा ये एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होल्ड करता, बुर्ज खलीफा टोटल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है, और वो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट इज इन बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लिफ्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फायरवर्क, वर्ल्ड्स मोस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स, हाईएस्ट रेसिडेंशियल प्लेस एंड हाईएस्ट नाइट क्लब्स इज इन बुर्ज खलीफा।
द नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड टेनिस एंड अल सियागर टनल. ये टनल आप देख सकते हैं पूरे अंडरग्राउंड में बना हो. अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप इस प्लेस को जरूर विजिट कर सकते हैं. एंड इन दिस प्लेस की टेनिस खेल रहे हैं अंडरग्राउंड में. हमने नॉर्मली टेनिस तो देखा है बट एक्वेरियम के अंदर टेनिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. दिस इज वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर गार्डन. रेगिस्तान में जहाँ कैक्टस पाए जाते हैं उन्होंने वहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर गार्डन खड़ा किया. ये गार्डन इतना खूबसूरत है और यहाँ पे वर्ल्ड के हर एक टाइप के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे. द नेक्स्ट वन इज पाम जुमेरिया. ये मैन मेड आइलैंड है. नॉर्मली जो आइलैंड होते हैं वो नेचुरली डेवलप होते हैं बट ये आइलैंड की बात यह है कि ये मैन मेड तरीके से बनाया गया है. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका पाम शेप का है और ये ईच रो में हाउसेस होटल्स और रोड्स डेवलप किए और यहाँ की एक हाउस की प्राइस 350 crores तक है. कैन यू इमेजिन. दुबई इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स गोल्ड. वहाँ की गोल्ड की प्योरिटी इतनी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड एनी अदर कंट्री. दुबई में जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है. तो लेकिन अगर आप विजिट किए दुबई पर वहाँ से गोल्ड लाने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. अगर आप मेल है तो आपको 50,000 तक का ही गोल्ड लाना अलाउड है और अगर आप वुमेन है तो 1 lakh rupees तक का गोल्ड आप वहाँ से ला सकते हैं और वो पहन के आना है आपको, नहीं ना कि आपको बैग में आपके रख के आना है. तो व्हेनेवर यू गो टू दुबई ये बात ध्यान में रखना. IPL 2020 जो इस साल का हुआ था वो दुबई, शारजा और अबू धाबी में हुआ था. दुबई में इसका फाइनल हुआ था एंड बिकॉज ऑफ लेस कोरोना केसेस उन्होंने कोविड को इतने अच्छी तरह से मैनेज किया कि वहाँ पे बहुत ही कम कोविड केसेस थे इस ईयर. और इसीलिए BCCI ने डिसाइड किया कि IPL जो 2020 का होगा वो दुबई का होगा और वो बहुत ही हिट रहा है IPL इस बार का. उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स. तो ये कोर्ट दुबई ने दिया है. दुबई बोलता है कि दुबई विल बी नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द फर्स्ट प्लेस. दुबई का ये एम है कि वो हमेशा फर्स्ट प्लेस पे ही रहे. उन्हें कुछ एवरेज थिंग्स नहीं पसंद है. नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट टूर ऑफ दुबई. समझना जैसे दुबई ने किया है. इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन. सो कीप ट्राइंग लाइक दुबई डिड. थैंक यू.